फैसल जावेद को ट्वीट करनी पड़ गई अल्लाह रसूल का नाम लेकर के। हालांकि पीटीआई वालों का या किसी सियासी जमात का अल्लाह रसूल से क्या वास्ता, उनका तो फायदे और नुकसान से वास्ता होता है, लेकिन फिर भी भाई जब बात आती है सौदे की कोई आसरा जाने नहीं देते। कहां तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट करके कह दिया था कि पाकिस्तानी सरजमीन नहीं देंगे, तो ये इस्लामाबाद में क्यों गोरे आकर के बैठे। मैं ये नहीं कहता कि काबिज हो गए, लेकिन बहरहाल गोरों के वजूद से इस्लामाबाद पाक भी नहीं कहलाया जा सकता। कोई है जो इस बात की तरदीद फरमाए? कोई है? ये जो तमाम होटल्स, तमाम का मतलब तमाम नहीं लेकिन मेजॉरिटी होटल्स में ये जो इतने अरसे के लिए बुकिंग की गई है, काय के लिए? कौन सा ऐसा अहम काम करने के लिए आए ये अमरीकी मरीन्स? ये वहां से डायरेक्ट अफगानिस्तान से कतर के जरिए से या किसी और जरिए से, दुबई के जरिए से अपने मुल्क नहीं जा सकते थे? इनको अपने मुल्क वापस जाने के लिए दोबारा कोई वीजा वगैरह चाहिए था? इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था? कौन बताएगा? मीडिया तो कोई नहीं बता रहा, मीडिया तो बताने का अहल ही नहीं, या यूं कह ली रो रहे हैं कि अमरीकी फौज को पाकिस्तान ने पनाह क्यों दी? पनाह दी? तुम्हारी औकात है कि तुम पनाह दोगे? हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद सभी आर्मी कैडेट अमेरिका के कमांडो अमेरिका वापस नहीं गए, उसमें से हजारों आकर पाकिस्तान रुक गए हैं। आइए देखते हैं वीडियो, क्या स्ट्रेटजी है अमेरिका की। दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और अकलमंदो, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल गया, ये बता रही है बीबी। हम सब बेवकूफ हैं, इनको पता है, एक इनको और इनके लीडर को पता है, समद बॉन्ड। अकलमंदो, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल गया, अमरीका को अड्डे न देकर अफगानिस्तान का अमन में साथी बना और अमरीकी फौज को कुछ देर वापसी पर पना देकर अपना एहसान मंद बना लिया। एक तीर से कई शिकार, और फिर आगे पप्पियों के और वो जो आंख से वो तीर निकल रहे होते हैं उसके निशानात। कैन यू बिलीव, ये यूथियों की कौन सी नस्ल परवान चढ़ के हमारे सामने आई है कि इनको गाली भी देते हुए आदमी सोचता है कि ये गाली भी इनके जहल का हक अदा कर सकती है कि नहीं? अमरीकी फौज को पना देने की तुम्हारी औकात है? तुम्हारी मुल्क की सरहदों को पामाल करके वो आते हैं, अमल कांसी को यहां से उठा के ले जाते हैं अमरीकी कमांडोज। उस वक्त के सदर पाकिस्तान डीजी डेरा गाजी खान, डीजी खान में उतरते हैं उस वक्त के सदर के गांव में अमरीकी मरीन्स और अमल कांसी को उठा करके ले जाते हैं। कोई उनका कुछ नहीं उगाड़ सका। एफ्टर ऑपरेशन जब हुआ, अमरीकी मरीन्स आए, उसामा बिन लादेन को उनके तौर पर लिटाया, उसकी बाकियात भी उठा के ले गए। हम सब अल्लाह का शुक्र है ऑटो पे लगे हुए थे, हम पना देंगे? हाँ, अगर वो आ रहे हैं तो हम लिहाफ होकर के सोते बन जाएंगे, ऐसा तो चलो समझ में आ रहा है, और ऐसी हमारी तारीख भी रही है डीजी खान में, वरना हमने कुछ ना कुछ कर लिया होता, वरना एबटाबाद में तो यकीनन कर लिया होता। उल्टी सीधी बात, अब सुने आप एक और भंड। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। हर जगह लॉ है भाई, लाइबल्स हैं। आप जो बातें यहाँ करते हैं ना, आप अमेरिका और बर्तानिया में नहीं कर सकते, तो आप इसलिए नया लॉ ला रहे हैं, बंद करने लगे हैं। मुंह तो खुले हुए हैं यार, मुंह तो एडेड खुल गए हैं। काजी साहब आप बंद करने जा रहे हैं? कोई मुंह बंद नहीं है यार, आर्मी चीफ के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आईएसआई चीफ के खिलाफ आप बोल रहे हैं, फौज के खिलाफ आप तकरीरें कर रहे हैं, खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और जो मर्जी कह रहे हैं, और कोई बंदा पूछता नहीं और की आजादी दी है तो आप मानेंगे नहीं? दुनिया में जो खजाना लूटने की आजादी आपको मिली रही है सारी उम्र, और आप मुंह खोलने की भी आजादी और की नहीं है? मुंह खोलने की आजादी दुनिया इसको कहती है, दुनिया में 140 में से 111वां नंबर है आपका, इतना मुंह खोल किसका? पाकिस्तान का 111वां मुल्क कौन देता है? दुनिया का सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप साफ़त के अमेरिका में है, और वही बैठ के रेटिंग बनाते हैं, दो नंबर रेटिंग बनाते हैं अमेरिका को फॉलो। मलिक मलिक साहब मुझे बताएं, और यार मैं चार साल अमेरिका में रहा हूं, तो हमने फॉलो करते हैं, मैंने फॉलो, आप फॉलो करते हैं, हम नहीं फॉलो करते। पट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे ये बताएं कि बीबीसी हो सीएनएन हो, प्रोड्यूसर के एक फिक्रे से वुल्फ ब्लिट्जर हट के बोले, दूसरे दिन नौकरी से बाहर हो, उसको क्लर्क कोई ना रखे। यहाँ जो मुंह में आते बोली जा रहे हैं, जो मुंह में आता बोली जाते हैं, मगर आजादी नहीं है। प्लीज टेल मी, एजुकेट मी प्लीज। अच्छा कैसा, मैं छोटा सा अर्ज करने लगो, मैं आप जितना साहिब इलम नहीं हूँ, एक यूनियनिस्ट हूँ। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।